दादी जी हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको तो वृंदावन की कुंज गलियों और ये प्रेम चाहिए ठाकुर जी। हाँ मथुरा में देखो, मथुरा में भी व्यापारी ले लो, मैं व्रत का हाल खराब ना किया यार, केवल इतना कहना है। सबसे बड़ा तो परिवर्तन ये हो गया है, युवा अध्यात्म से जुड़ गया है। क्या न्याय है, जो रिक्शा चला रहा है क्या वो धर्म देख कर कोई बैठता है? पहले आप बताओ, मुसलमान हो कि पहले हिंदू हो तब बैठता है? वो तो कहता भैया मुझे 42 छोड़ दो, वो भी कुछ रोजगार पा रहा है। ये सब अपने मनगढ़ंत कहानियां है जो केवल एक चीज हड़पने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो इसमें मुसलमानों का दोष नहीं है। जो मुसलमानों के जो आका है जो उनको गलत रास्ते, वो तो सब कुछ बोलते रहते। वो तो ये भी कहते थे कश्मीर से 370 नहीं हटेगी, हट गई, राम जन्मभूमि नहीं बनेगा, हट गया। उनके बोलने से, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, वो सब हो रहा है, सब प्रभु करा रहे हैं और कोई नहीं करा रहा। ये हमको तो हमारा जन्म स्थानी वृंदावन है ये, और मैं देख रही हूँ कि मंदिर के सामने ही आपकी ये दुकान है और कॉरिडोर यहाँ पे बनने जा रहा है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे साहब, हमारे लिए तो ये अच्छा नहीं हो रहा है, पब्लिक के लिए फायदा हो रहा है इससे, जो बाहर की जनता आएगी उसका फायदा होगा। आप चाहते थे ना यहाँ पे विकास? नहीं, हम विकास चाहते थे, मैं इतना ये कॉरिडोर नहीं चाहते थे, हम ये गलियां थोड़ी छोटी छोटी हैं, यहाँ से थोड़ा बड़ा हो जाए ऐसा चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि कॉरिडोर बन जाए, किसी का मकान जाए। लेकिन गलियां तो बड़ी तभी होंगी, गलियां तो ये वृंदावन की कुंज गलियां हैं, इनका जो आनंद है वो तो खत्म हो जाएगा ना। अच्छा, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि सरकार आप लोगों को मुआवजा दे रही है। राधे जी हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको तो वृंदावन की कुंज गलियों और ये प्रेम चाहिए ठाकुर जी। नहीं दे रही है सरकार, नहीं मुआवजा दे रही है, मन का सब मुआवजा थोड़ी मिल जाएगा किसी का। अब जैसे मेरी जगह, मैं अपनी जगह संपत्ति नहीं बेचना चाहूँ, दादा पुरखा दादा रहते हुए आए और मैं उस जमीन को नहीं बेचना चाहता हूँ, फिर बताओ वो तो जबरदस्ती का खेल हुआ ना कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ आप अपनी जगह दीजिए। मोदी सरकार से खुश है आप? हाँ मोदी सरकार से बिल्कुल खुश है जी, लेकिन ये तो सरकार ही कर रही है। मोदी सरकार तो कर रही है, मगर थोड़ा गरीब लोगों का तो विधवन से मिट जाएगा ना, इस बात को सोचिए। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर बना, उसको लेके आप क्या? उससे तो हमको विशेष खुशी हुई है, बहुत अच्छा हुआ है, ये तो होना चाहिए था, मोदी राज में हुआ है। और अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की बारी है। हाँ मथुरा में देखो, मथुरा में भी व्यापारी ले लो, मैं व्रत का हाल खराब ना किया यार, केवल इतना कहना है, व्रत की गलियां छोड़वा दो, यहाँ से व्यवस्था खराब है, अब पूरा बिहारीपुरा से इधर उधर टूटेगा तो ये नुकसान है। मोदी जी एक तरीके से विकास ही कर रहे हैं। वो तो विकास कर रहे हैं, उनका विकास ठीक है, मगर इतना विकास ब्रिज में, इतना विकास नहीं चाहिए ब्रिज का, तो ठाकुर जी का, ये ठाकुर जी का बनाया हुआ है, ये ठाकुर जी का हृदय है, ये वृंदावन जो है, मस्जिद को लेके ये मस्जिद वगैरह तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए, मोदी राज में कहीं भी मस्जिद नहीं होनी चाहिए अपने भारत में। मुस्लिमों का भी तो एक धर्म है ना, वो जब हमारे धर्म में रहते तो एक ही नाम गाइए केवल राम, ये अल्लाह मियां ये सब कुछ नहीं चाहिए, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल यही पॉसिबल होना चाहिए। नहीं सबका समान अधिकार है, अपने देश में जाइए, अपने अपने इष्ट देवता को पूजिए, हमारे ब्रज में रहेंगे या हमारे भारत में रहेंगे तो हमारी भारत माता का ही नाम बोलना पड़ेगा और हमारे राम के साथ ही रहना पड़ेगा। हमने राम जी की लीला देखी, हमने कभी अल्लाह या इल्ली उल्ला ये नहीं देखा उसमें, हमने जहाँ भी देखा अपने ठाकुर का ही नाम देखा है। ये तो मुसलमानों ने बना दिया कि हमारा जी है, ईसाई है, वो है, जो भी कुछ है श्री राम का ही है, कड़कड़ में विराजमान है, राम से ही संसार बता हुआ है, प्रभु श्री राम कड़कड़ में विराजमान है। और जो बात हो रही कॉरिडोर बनाने की, तो जो अपने दिल से जो लगाव होता है कुंज गलियों का है, ना कि कोई फैसिलिटीज आदमी नहीं चाहता है, जब ये गलियां नहीं रहेंगी तो लोग दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे। हम मथुरा में रहते हैं और कानपुर से आए हैं, मथुरा में भी घर है और कानपुर में भी घर है, तो कानपुर से दर्शन के लिए आते हैं। आज का युवा क्या सोचता है? युवा सबसे बड़ा तो परिवर्तन ये हो गया है, युवा अध्यात्म से जुड़ गया है, इसमें बहुत से लोगों का, या हमारे जो संत महात्मा है प्रेमानंद जी महाराज हैं, या बहुत से गौरी गोपाल के जो वृंदावन में जो रहते हैं, बहुत से कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी, इनके माध्यम से युवा बहुत आध्यात्मिक तरफ बढ़ा है। और बिहारी जी में दिन पे दिन भीड़ बढ़ेगी, कुछ गलिया और आप छोटी क्यों ना करते, लेकिन भीड़ नहीं कम होगी। पहले के युवा और अब के युवा में क्या अंतर है? पहले का युवा सोशल मीडिया यूज करता था, पहले का युवा नशा यूज करता था, पहले का युवा गंदी चीजों में लड़कियों में छेड़खानी करता था, आज का युवा बिल्कुल एक अलग ट्रैक पर चला गया है जो कि अध्यात्म से जोड़ता है। प्रभु श्री राम का आप देख लो, चाहे प्रभु श्री कृष्ण का देख लो, अभी जन्मभूमि का फैसला आएगा और ये जल्द फैसला आएगा, वो ईदगाह मस्जिद हटेगी, वहाँ पर जन्मभूमि थी, जन्मभूमि है, जन्मभूमि ही रहेगी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि मोदी सरकार में जो है सनातन धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है, लोगों का ये कहना है कि ये तो मुसलमानों के लिए अन्याय हो रहा है। इसमें क्या अन्याय है, जो रिक्शा चला रहा है क्या वो धर्म देख कर कोई बैठता है? पहले आप बताओ, मुसलमान हो कि पहले हिंदू हो तब बैठता है? वो तो कहता है भैया मुझे 42 छोड़ दो, वो भी कुछ रोजगार पा रहा है। जो रूम लोग अपने कमरे धर्मशाला बनाए हैं, क्या ये हिंदू लोग खोलेंगे क्या?
यहाँ तो ऐसा नहीं है, कोई नहीं पूछता, कोई भेदभाव नहीं, ये सब अपने मनगढ़ंत कहानियां है जो केवल एक चीज हड़पने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा, जो इसमें मुसलमानों का दोष नहीं है, जो मुसलमानों के जो आका है जो उनको गलत रास्ते आका तमाम लोग हैं। अच्छा, ओवैसी को मुसलमानों का ओवैसी एक वो व्यक्ति है, उसको किसी भी समाज से चाहे मुसलमान हो, मुसलमान भी उसे नहीं पसंद करता है, बस एक ये होता है कि मुसलमान है तो उसका विरोध मुसलमान नहीं कर पा रहा है, मुसलमान के होते हुए अगर ये किसी और धर्म का होता तो ओवैसी जाने कब चला गया होता अपने घर। धर्म को अभिव्यक्ति की आजादी है और किसी बिल्कुल आजादी है, पूरी आजादी है, जब ईश्वर से व्यक्ति जुड़ना चाहता है तो वो ये नहीं देखता है कि ये बिहारी जी हैं या राम जी हैं या सीता जी हैं, वो सब जुड़ता है। तो आप ये कैसे कह सकते हो बिहारी जी थे नहीं, आप ये कैसे कह सकते हो राम काल्पनिक थे, ये भी तो आप नहीं। किसकी जीत लगती है? ये सनातन धर्म की जीत है और हर एक व्यक्ति की सोच की जीत है, ना ही कोई। अब जैसे कांग्रेस पार्टी है, अब कांग्रेस पार्टी अगर राम मंदिर बनवा देती तो हम कांग्रेस को वोट देते, और ये AIM का जो ओवैसी है ये बनवा दे मस्जिद में मधुरा में जो जन्मभूमि का चल रहा है ईदगाह, ये हटवा दे, मैं ओवैसी वोट दूंगा। मैं आप एक 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 ही सही होने दूंगा जी, ऐसा बोला वो तो सब कुछ बोलते रहते, वो तो ये भी कहते थे कश्मीर से 370 नहीं हटेगी, हट गई, राम जन्मभूमि नहीं बनेगा, हट गया, उनके बोलने से मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, वो सब हो रहा है, सब प्रभु करा रहे हैं और कोई नहीं करा रहा। केजरीवाल जी व्यक्ति ठीक है, लेकिन अब ये है कि कुछ अगर गलत होंगे तो उनकी जांच चल रही है और जल्दी वो हाजिर हो जाएंगे। आने वाले वक्त में सरकार किसकी देख रहे हैं आप? मोदी जी की खुला। कब तक देख रहे हैं आप? मोदी जी के बाद योगी भी आएंगे, ये पूरा तय है, बस ये है कि लोग मन में रखे हैं इसलिए कि आदमी भटके ना कहीं। अच्छा, वैसी ने एक बयान दिया था, कहा था कि योगी और मोदी को तो मठ चले जाना चाहिए, तो आप कहाँ जाओगे फिर? योगी चले जाएंगे, ये जो तैयार नए योगी हो रहे हैं ये कहाँ जाएंगे, कितने योगी आप मठ में भेजोगे आप? ये सनातन धर्म है, यहाँ हमारे भारत देश में बहुत सारे योगी हैं, जो सामने आ गया वो हैं। ये तो एक योगी अभी एक देखा है, ये तो एक योगी है, योगी हैं जो पता नहीं कितने हैं अभी जो सामने नहीं है, वो जिस दिन सामने आएंगे उस दिन ये ओबीसी वगैरह ये दिखेंगे भी नहीं। और मुझे एक चीज और कहना चाहूंगा, ओवैसी की बयानबाजी सिर्फ मुस्लिमों में चलती है, जब मुसलमान सुनते हैं, अगर हिंदुओं के पास सामने बोलेंगे तो एक हिंदू को झेल नहीं पाएंगे ओवैसी। अच्छा, कांग्रेस ने जिस तरीके से यात्राएं कर रही है कांग्रेस और सीटें बढ़ाने की कोशिश करी, आपको क्या लगता है उसका परिणाम क्या होगा? राहुल गांधी जी सिर्फ मेहनत करते रहे, इसमें मैं चुनावी बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी मेहनत अच्छी कर रहे हैं, व्यक्तिगत में मेहनत अच्छी कर रहे हैं। अगर रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को लोग इतना अच्छा समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि विकास कार्य चाहे वो सनातन धर्म में हो, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे किसी भी विषय में हो, हम भी है, खूब हमारी दुकान चलती है और खूब व्यापार खूब फैला पड़ा है। अगर ये कह दो कि कौन दे रहा, सरकार थोड़ी देती है, वो आप मेहनत करिए, जो मेहनत नहीं कर रहा है वही केवल रोजगार का रोना रो रहा है बस। केजरीवाल तो फ्री में सब कुछ दे रहे हैं ना, अभी दंगा हुआ तो वो भी तो फ्री में दिया था ना, किसी पैसा थोड़ी लिया था, हर सत्ता केवल अपनी पार्टी के लिए इसमें काम करती है बस। अच्छा, विकास को आप किस नजरिए से देखते हैं? विकास जो हुआ है, हाँ, बहुत अच्छा विकास हुआ है। आपकी नजरों में विकास क्या है? विकास है, हर तरह का होना चाहिए, ये नहीं कि मंदिर को उठा दो, मस्जिदों को बढ़ाते चले जाओ या चर्चों को बढ़ाते चले जाओ, ये विकास कैसा है? फिर मंदिर बढ़ाओ, मस्जिदें जो है वो भी रहे, चर्च जो है वो भी रहे, मतलब अध्यात्म को विकास से जोड़ने नहीं चाहिए। अब ये कह दो कि ये विकास जो हुआ है, कॉरिडोर जो बनेगा ये सिर्फ विकास, ये भी तो विकास हो रहा है, लेकिन ये है कि कुछ गलियों का अगर महत्व है तो बिहारी जी का महत्व। UCC के बारे में जानते हैं आप? जी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सिविल कोड, क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो इसकी पहल हो गई है शुरू, हर जगह पहल कि देश में लागू होना चाहिए, बिल्कुल लागू होना चाहिए, लेकिन मुसलमान तो कह रहे हैं कि ये तो हमारे धर्म को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो जो ये शरिया कानून चालू हो रहा है, ये जो ये शरिया कानून जो लागू हुआ है, ये आप संविधान के खिलाफ क्यों नहीं चलते हैं? आप संविधान के हिसाब से चलो तो सबके लिए संविधान सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाया गया है क्या? मुसलमानों के लिए संविधान नहीं बनाया गया क्या? वो कहते हैं पहले कुरान है बाद में संविधान है, ये कहा नियम है, तो फिर हम भी कहेंगे पहले गीता है रामायण उसके बाद संविधान है? हम तो ये नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं ना कि पहले संविधान बाद में कृष्ण बाद में ये गीता बाद में रामायण, पहले हम ये बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मानसिकता बैठाल दी गई है और खूब न्यूज देखो आप चाहे खूब पिक्चरें देखो, सब में सबको स्टोरी पता है कि क्या इनके दिमाग में डाला जाता है। तो ये है कि मुसलमान बुरा नहीं है, लेकिन जो उनको डालते हैं उनके अंदर जो ये DNA इंजेक्शन वर्क है, ये खराब है। अच्छा, भारत की बदलती हुई तस्वीर, आप और क्या बदलाव देखना चाहते हैं? जहाँ तक हम देख सकते हैं तो उतना आगे नहीं देख रहे, लेकिन आगे जो जैसे कि उल्टा हो रहा है, अब पहले त्रेता आया फिर द्वापर आया अब कलयुग आया, अब ये फिर रिटर्न हो गया, फिर द्वापर जाएगा फिर त्रेता चला जाएगा। और ये सब कुछ कौन कर रहे हैं? हम तो कल ये भगवान आने वाले हैं, ये लो महाराज जी ने बोल दिया, कल की भगवान आने वाले हैं, कलयुग में कलयुग आएगा तो कल की भगवान निश्चय आने वाले हैं, घोड़े पर सवारी होगी, जैसे श्री कृष्ण भगवान आए उसी प्रकार से वो भी आए हैं। अच्छा, कलयुग में क्या क्या देखने को मिलेगा? कलयुग में बड़ा आनंद आएगा,
कलयुग केवल नाम आधारा, सुबह सुबह नर उतरा भजनों से ही पार हो जाएगा, भजन कीर्तन गाने से ही कल्याण हो जाएगा, बड़ा आसानी से तर जाएगा जीवात्मा, बड़ा आनंद आएगा। कलयुग में क्यों आनंद आएगा? इसीलिए ये से बोलते तो है बड़ा कड़ा, लेकिन है बड़ा आसान, बड़ा सुगम, इसमें केवल नाम मात्र भजन कीर्तन से ही तर जाता है प्राणी मात्र। नहीं नहीं नहीं, न्याय होगा, न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, मान चुके हैं, लेकिन है नहीं, होगा नहीं, बड़ा साथ, अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। मोदी सरकार से खुश है आप? मोदी सरकार तो एक भगवान का अवतार लेके आए हैं। और योगी सरकार? योगी सरकार तो उनके लक्ष्मण भाई बनकर आए हैं। यही यही सत्य है, बस और कुछ नहीं, बाकी सब छलावा है। राधे राधे, राधे राधे।